तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आई नो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, बट जल्दी ही बहुत सारे व्लॉग भी आने वाले हैं जो कि रहने वाले जयपुर के। सो वो भी मैं आपके साथ जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रिसेंटली फ्लावरऑन मैंने परचेस किया था यहाँ के लोकल शॉप से, और आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा एक्टिव है। तो जिनको पता नहीं है, इसे हम थाइसिल फ्लावरॉन कहते हैं। तो अगर आप देख पाओगे कितनी ज़्यादा एक्टिव है ये फ्लावरॉन के पीछे मेरा एक रीज़न था, क्योंकि नॉर्मली सबके पास रेड कलर की फ्लावरॉन होती ही होती है, जो कि मुझे चाहिए था थाइसिल, जो कि आता है थोड़ा सा ब्लू शेड में, अगर आप देख पाओगे थोड़ा सा ब्लू शेड में। और ये देख रहे हो आप कितनी फ्रेंडली हो चुकी है। हालांकि इसे लिया था मैंने 3 दिन पहले, मतलब आज की डेट है 30 मार्च, और इसे मैंने 27 मार्च को मैंने इसको परचेस किया था। बट अगर आप देख पाओगे कितना ज़्यादा एक्टिव और कितना ज़्यादा घुल मिल चुकी है अभी ये। और इसके बारे में मैं आपको अपडेट देते रहूँगा कि आपकी फ्लावरन की आपने केयर कैसे लेनी है। तो नॉर्मली फ्लावरन की हम केयर कैसे लेते हैं कि अगर आपको इसका जो हेड है, अगर आप देख पाओगे इसका भी हेड जो है अभी ग्रोइंग इसमें है कंडीशन में। सो मैं इसका भी हेड, मुझे इसको अच्छे से ग्रो करना है। सो इसके लिए मैं क्या टेक केयर लेने वाला हूँ, फर्स्ट थिंग फिल्ट्रेशन। मैं स्पंज फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ जो पावर फिल्टर होता है वो फिश के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट रीज़न मुझे लगता है कि उसका जो प्रेशर है, उसकी वजह से जो फिश होती है वो थोड़ा सा मतलब उसके प्रेशर से मतलब बाहर चली जाती है, इसलिए मैं वो अवॉइड करूँगा। और बाकी बहुत सारी जो मिनरल्स और ये सारी चीज़ें होती है वो भी इम्पैक्ट करती है। सो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कौन सी भी फिश रख रहे हो, नॉट ओनली दी फ्लावर ऑन, बट अगर आप कौन सी भी फिश रख रहे हो, सो आई विल रिकमेंड गो फॉर दी स्पंज फिल्टर। इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर टू कीप योर फिश हेल्दी एंड द वाटर इज हेल्दी। ठीक है, एंड फर्स्ट थिंग अपना हो गया फिल्ट्रेशन, सेकेंड थिंग वाटर कंडीशन। सो वाटर आपको अच्छा रखना है। मैं अभी रूल फॉलो कर रहा हूँ कि वंस इन अ मतलब वंस इन अ वीक मैं उसका वाटर जो कि है 80% से मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। अगर आप देख पाओगे तो इतना हम मैंने वाटर रखा हुआ है, पूरा फुल भी नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा सा ही वाटर रखा हुआ है। तो इसका 80% मैं वाटर वंस इन अ वीक इसे चेंज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है कि ट्वाइस इन अ वीक करना है, थ्राइस इन अ वीक करना है, बट आई विल रिकमेंड गो फॉर वंस इन अ वीक। इट विल बी द बेटर ऑप्शन, बिकॉज अगर बार बार आप वाटर चेंज कर रहे हो सो वो इम्पैक्ट आपके फिश भी करता है। तो बेटर आप वंस इन अ वीक करो। एंड देन मेरे पास लिक्विड्स अगर आप देखोगे तो वो है डाइक्लोरिन और क्योमी। क्योमी क्या होता है, मोस्टली जब आपकी फिश होती है अगर स्ट्रेस में है, जब हम लाते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस में होती है, तो उसको स्ट्रेस रिलीज करने का काम ये जो है वो लिक्विड करता है। सो दैट्स व्हाई वो है। एंड फॉर हेड ग्रोथ आई विल रिकमेंड गो फॉर दी ओकी ओ प्लेटिनम फूड। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फूड माना जाता है फ्लावरन का, अगर आपको हेड ग्रो करना है तो बहुत सारा इसका डुप्लीकेट जो होता है मतलब फूड वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, उसकी पहचान हम करते हैं। जो अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, यहाँ से वो ट्रांसपेरेंट है, अगर यहाँ से वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, सीधा का सीधा सिल्वर कोटिंग किया हुआ है, आपको पैलेट्स नहीं दिख रहे तो वो डुप्लीकेट है। ओके, बट स्टिल बहुत सारे लोगों का अलग अलग पर्सपेक्शन होता है। सो आई विल रिकमेंड कि ट्रांसपेरेंट वाला आप खरीदे, अगर आप ओकी का कियो का अगर आप फूड खरीद रहे हो फ्लोरन के लिए। ठीक है, एंड ये एक चीज़ होती है, आपको अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन आपके फिश को आपको प्रोवाइड करना है अगर आपको उसका हेड ग्रो करना है। सो मैं फिलहाल के लिए जो ये का येल्क होता है वो भी इसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इसको फीड कर रहा हूँ, डेली नहीं, ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। ओके, एंड देन ब्लड वर्म्स भी मैं इसे दे रहा हूँ, एंड साथ ही साथ ये तो फूड मैं 2 टाइम इसे दे रहा हूँ, कई लोग 3 टाइम्स भी देते, आपके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपके फिश और वाटर कंडीशन को अच्छा रखना चाहते हो सो थ्राइस इन अ डे आप दे सकते हो, बट मैं ट्वाइस इन अ डे देता हूँ। सो वो एक ऑप्शन था। आपको आपके फिश के साथ 15 मिनट्स तो भी स्पेंड करो, बिकॉज ये थोड़ा आपके साथ फिर फ्रेंडली होता है तो आगे जाके भी अच्छा होता है, बिकॉज ये जब ग्रो करता है हेड एंड जब आप इसके साथ मतलब खेलते हो तो वो भी अच्छा लगता है। सो ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि
थोड़ा आपके साथ फिश के साथ भी टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा, मतलब जैसे कि अभी आप देख पाओगे अब ये नहीं कर रहा बहुत, देखो अभी ये करेगा थोड़ी देर में नहीं करेगा, मतलब पोपट कर देता है, ठीक है। और एक चीज़ थी जो कि अभी इसका लाइट भी इम्पैक्ट अच्छा करता है, सो फिर मैंने क्या किया था जो कि लोकल स्टोर से ये लाइट खरीद के लाया हुआ था, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो कुछ इस तरीके से, मोस्टली एक्वेरियम लाइट्स भी होते हैं बट एक्वेरियम लाइट्स थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, एंड यू डोंट बिलीव कि ये मुझे सिर्फ 130 में पूरा सेट मिला हुआ है। सो 130 में आप ये ले सकते हो, एंड ये से आप लगा भी सकते हो, और इसका जो लाइट है ब्राइटनेस मैं आपको दिखाता हूँ, देख पाओगे कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है। एंड डबल टेप आता है या फिर फेविक्विक आता है, उससे भी आप आपके एक्वेरियम को ये आप लगा सकते हो। तो जल्दी से मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ कैसे दिखता है। गाइस कुछ इस तरीके से हमने ये सेटअप कर लिया हुआ है, तो अभी जल्दी से हम लाइट को ऑन करते हैं, और आप देख पा रहे हो कितना प्यारा हमारा एक्वेरियम दिख रहा है, और हमारी फिश भी कितनी प्यारी दिख रही है। तो ये आप इंडियन जुगाड़ कर सकते हो, तो अगर आपको एक्वेरियम शॉप से एक्वेरियम लाइट नहीं लेना है, 130 में आपको हार्डवेयर शॉप पे भी मिल जाएगा। तो यही थे आज के वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।